दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सीजी व्यापम में जब आपका रजिस्ट्रेशन गुम हो जाता है तो आपको अपना एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तो इसके लिए चलिए हम सीजी व्यापम का कोई भी एडमिट कार्ड के ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जैसे ही अब देखेंगे ऊपर में सर्च रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप रिक्वायरमेंट्स के हैं या फिर प्रवेश एग्ज़ाम है तो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद कैंडिडेट्स का नाम यहाँ लिख लेना है। तो चलिए मैं यहाँ कुछ नाम लिख लेता हूँ। नाम लिखने के बाद रिलेटिव्स अर्थात उनके फादर्स का नाम जो उस फॉर्म में लिखा हुआ है सेम वही स्पेलिंग इसमें भी लिखना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके बाद रिलेटिव का नाम, एंड रिलेटिव का नाम लिखने के बाद फ्रेंड्स यहाँ देखिए डेट ऑफ बर्थ दिया है DDMMYYY। तो इस तरीके से आपको DD और MM एंड YY सेलेक्ट करना है अर्थात डेट मंथ एंड ईयर ऑब्लिक देना है बीच में आपको। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ नीचे एग्जामिनेशन दिया हुआ है, आप जो सेलेक्ट किए रहते हैं उसके अनुसार जिस भी कैटेगरीज का आपने जिस भी जो भी मतलब पोस्ट पे आपने अप्लाई किया हो उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें पूरे पोस्ट के नाम दिए हुए हैं, आप उस पोस्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ चलिए सेलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ सर्च के ऑप्शन उसके ऊपर क्लिक करेंगे। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ नीचे कोड रजिस्ट्रेशन और रोल नंबर और वगैरह इसका पूरा डिटेल ओपन हो जाता है। तो अब यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी करके प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको यहाँ दिखा रहा है, देखिए यहाँ गवर्नमेंट हायर बॉयज़ स्कूल बलरामपुर ऐसे करके दिखाया गया है और सेंटर का कोड बताया गया है। यहाँ इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको क्लिक करके कॉपी कर लीजिए। कॉपी यहाँ करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ फिर से आप यहाँ बाय रजिस्ट्रेशन नंबर एडमिट कार्ड डाउनलोड में जाएंगे और वहाँ अपना इस रजिस्ट्रेशन नंबर को कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ जो नीचे सॉरी पेस्ट कर देंगे। इसके बाद जो भी नीचे यहाँ कैप्चन दिया उसको करके यहाँ सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद देखिए यहाँ नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाते हैं, वहाँ डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके आई एग्री में क्लिक करने के बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए डाउनलोड नीचे हो चुका है, अब इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपना रजिस्ट्रेशन गुम हो जाने के कारण आप अगर नहीं डाउनलोड कर पाते हैं तो इस विधि के द्वारा इस तरीके से आप आसानी से कर सकते हैं। अगर इसमें करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को नीचे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स कर दीजिए। और बहुत सारे लोगों ने मेरे को ये बोला था कि अगर हमारा रजिस्ट्रेशन गुम हो गया तो कैसे हम अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स उन सभी फ्रेंड्स लोग के लिए ये वीडियो मैंने बना के लेके आया हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।